सिवान के लकड़ी नबीगंज प्रखंड स्थित लकड़ी नबीगंज प्रखंड के सभी पंचायतों के सरपंच उप सरपंच एवं पंचों द्वारा 11 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। धरना प्रदर्शन के दौरान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी किया गया। इस दौरान सरपंचों ने कहा कि अगर सरकार हमारी 11 सूत्री मांगों को लेकर पूरी नहीं करती है तो हमारी अगली कार्यक्रम बिहार में चक्का जाम सड़क जाम करने की रणनीति बनेगी, साथ ही सरकार की घेराव भी होगी। इस धरने प्रदर्शन में सरपंच संघ के अध्यक्ष रविंद्र कुमार यादव, राजीव रंजन, मंजू देवी, सुनैना देवी, संगीता देवी, मोतियोर रहमान, सुनीता देवी समेत रूपा देवी, सुरेश सिंह तमाम लोग मौजूद रहे। जो 11 सूत्री मांग के लिए आज प्रखंड कार्यालय पर जो धरना दे रहे हैं, उसके लिए आपने अपना बहुमूल्य समय निकालकर हम लोगों को प्रस्ताव बातों को सुनने के लिए और हमारी बात सरकार तक पहुंचाने के लिए आपने अपना समय निकाला, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। सबसे पहले तो मैं यह कहना चाहूँगा कि जो हम लोग की 11 सूत्री मांग है, हम लोगों को सरकार उपेक्षित कर, जब उसी मत से मुखिया का चुनाव होता है, वार्ड का चुनाव होता है, समिति का चुनाव होता है, सरपंच का चुनाव होता है और हम लोग को उस नज़र से देखा जाता है कि जब हम लोग का अधिकार दिया जाता है, चुनाव के पहले कहा जाता है कि सरपंच का अधिकार जो है मजिस्ट्रेट का अधिकार, लेकिन हम लोग का अधिकार जो है मजिस्ट्रेट का अधिकार कहने के लिए है लेकिन अधिकार नगण्य है क्योंकि सरकार उपेक्षित कर। और जो हम लोगों ने सरकार के चुनाव के पहले उन्होंने जो घोषणा किया कि सरपंच को विकास का जो मद होगा वो सरपंच को दिया जाएगा, इसीलिए चुनाव में सरपंचों की संख्या बढ़ गई, जिसके लिए चुनाव जितना जटिल मुखिया का होता है उतना ही सरपंच का भी होता है, लेकिन सरपंच को कोई अधिकार नहीं है। कहने के लिए बहुत अधिकार है लेकिन पेपर में अधिकार है लेकिन स्थल पर कोई अधिकार नहीं। हम लोग को अधिकार दिया जाए और नहीं तो हम लोग अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। इसके लिए हम लोग एकजुट हैं। 2 अक्टूबर को हम लोग चंपारण से यह पदयात्रा चलेगा, सरकार के पास पहुंचेंगे, घेराव करेंगे, नहीं मानेगी सरकार तो हम लोग एकजुट होकर हम लोगों ने स्पष्ट से इस्तीफा दे देंगे। जब स्तरीय पंचायत में सरपंचों का कोई अधिकार नहीं रहेगा, पंचों का अधिकार नहीं रहेगा तो फिर इसका क्या औचित्य है, मैं यही कहना चाहता हूँ। दूसरी, सरकार के ये पदाधिकारी जो लोग हैं ये लोग भी आप उपेक्षित नजरों से देख रहे हैं, आज क्लियर हो गया, स्पष्ट हो गया कि हम लोगों का सुध लेने वाला न नीचे है कोई न ऊपर कोई है। प्रथम ये है कि सुरक्षा का गारंटी सरकार दे। पहले अपना परिचय बताइए। जनार्दन यादव, सरपंच प्रतिनिधि जगत। मेरा कहना है 11 सूत्री मांगो 2006 जो एक नाम मात्रा का नियत भत्ता है वो भी हम लोग को जो 5 साल का है, हर सेशन में कुछ कभी 15 महीने का, कभी पिछला सेशन जो बीता है मेरे पिताजी थे अभी हम हैं उसमें 38 महीने का पेमेंट नहीं मिला है। तो नाम मतलब सरकार का वही न नियत भत्ता तय किया है कि इतना देंगे, वो भी देने को सरकार तैयार नहीं है। तो अब हम लोग भी जग गए हैं, पूरे सरपंच संघ साथ में एकदम ईंट से ही बजाएंगे सरकार को और 2 अक्टूबर से हम लोग को अगला कार्यक्रम फिर ऐसे 11 सूत्री मांगों के समर्थन में हम लोग 1 दिवसीय शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं जो पूरे बिहार के प्रखंड स्तर पर हो रहा है। इसमें चूँकि उपेक्षा की दृष्टि से सरकार सरपंच लोगों को देख रही है, जो भी काम है ग्राम कचहरी का आज तक ग्राम कचहरी को सही तरीके से सुविधा संपन्न नहीं किया गया, जिसके कारण सरपंचों को काफ़ी परेशानी हो रही है न्याय देने में। यहाँ सरपंच मान लीजिए कि लेडीज़ भी हैं जिनको निर्णय लेने में भी दिक्कत है, न उनके पास लीगल एडवाइजर की व्यवस्था है, न कोई सुख साधन उपलब्ध है। सुविधा पूर्ण तरीके से अगर मुहैया करा दिया जाए तो भी वही अपना काम सही तरीके से कर सकती है। साथ ही साथ अगर कोई फैसला सरपंच करता है उसके विरुद्ध भी लोग थाने में जाते हैं, प्राथमिकी दर्ज हो जाती है, वहाँ भी थाना प्रभारी को जानना चाहिए कि सरपंच का फैसला है तो उनसे जान लिया जाए, पूछना से सलाह लिया जाए। उपेक्षित नज़र से सरकार देख रही है, अधिकारी पदाधिकारी भी देख रही है, इसलिए हम लोग आज धरना पर बैठे हैं कि कम से कम ग्राम कचहरी को सुविधा संपन्न बनाया जाए, मानदेय का नियमित भुगतान किया जाए
और इन लोगों का जो अधिकार है उस क्षेत्राधिकार में दूसरे का दखलअंदाजी जो हो रही है उसको रोका जाए।